Good morning everyone and welcome back you all again in the science class. So the next topic of discussion is neutralization, but before that just have a look over the definition of neutral. The substances which are neither acidic nor basic in nature are known as neutral substances. जो सब्सटेंस आपके ना तो एसिडिक होते हैं नेचर में और ना ही बेसिक होते हैं वो आपके कहलाते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, इफ यू विल चेक द इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर ओवर दैट सॉल्यूशन देन यू विल फाइंड आउट दैट नाइदर द कलर ऑफ ब्लू लिटमस नोर द कलर ऑफ रेड लिटमस विल चेंज इन दैट केस। अगर आप रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके देखते हो तो उस केस में क्या होता है कि ना तो ब्लू लिटमस का कलर चेंज होता है और ना ही रेड लिटमस का कलर चेंज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। उसके अलावा एक और सिंपल सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हो तो वहां पर एक लेटर लिखा होता है स्टार्टिंग में एन, वो आपका शाइन करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? तो उस केस में वही सिंपल सा केस है ये कि जैसे ही हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वो चल रही नहीं होती है उस टाइम पे, और ना ही वो बिल्कुल बंद होती है, तो उस टाइम पे वो बीच की कंडीशन में होती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एट दैट टाइम दैट द बाइक इज इन न्यूट्रल, बाइक जो है वो आपकी न्यूट्रल में होती है। उसी तरह से आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं नेचर में। सो द नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन, व्हेनेवर ए बेस इज रिएक्टेड विद द एसिड देन दे कैंसिल आउट देयर इफेक्ट। जब भी किसी बेस को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उनका जो अफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, और यही जो रिएक्शन है आपकी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। लेट्स हैव अ लुक ओवर द इक्वेशन आल्सो। एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर प्लस हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं? द फर्स्ट वन इज सॉल्ट, देन वाटर एंड देन हीट। यानी कि जब भी एसिड और बेस को मिलाएंगे हम तो सॉल्ट बनेगा एक, फिर वाटर बनेगा, और उस पूरी रिएक्शन में आपकी जो हीट है वो निकलेगी। तो आप उस पर्टिकुलर कंटेनर को चेक करके देख सकते हो जिसमें आपने इन दोनों को मिक्स किया है, यू विल फील हॉट दैट कंटेनर। सो ए सिंपल एग्जांपल इज गिवन हियर, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल फॉर्म व्हेन दे विल रिएक्ट? NaCl कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, देन वाटर एंड देन हीट। सो दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन चेक दैट न्यूट्रलाइजेशन इज हैपन और नॉट। So next we are going to discuss the neutralization reaction with the help of an activity. In activity 5.5, we are going to use a synthetic indicator, and the name of that synthetic indicator is naphthalene. So synthetic indicators होते क्या हैं? Synthetic indicators are those indicators which are prepared in the labs and can be used to determine the acidity or basicity of a solution. So before starting that activity you must know something about the naphthalene indicator. What are those points? The first one is naphthalene is pink in color. जो naphthalene solution होता है आपके indicator का, उसका जो original color होता है वो होता है pink. When an acid is added to naphthalene solution it remains colorless. अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन में हम नेप्थलीन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वो कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन में हम एक बेस को ऐड कर देंगे तो ये दोबारा से अपने कलर को रिटेन कर लेगा और पिंक हो जाएगा कलर में। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, टेक सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब में,
उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो इंडिकेटर है जो पिंक है कलर में, उसकी 2 or 3 drops आपको उसके अंदर डालनी है और उसके कलर को जो है वो ऑब्जर्व करना है. When you will see that, then you will find out the color. There is no color in that test tube, means it is colorless initially. Then add some drops of base. Suppose you add sodium hydroxide in that test tube, then you will see that whenever you add a drop of sodium hydroxide, it starts regaining its color. जब आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे आप उसकी ड्रॉप्स को ऐड करते जाओगे तो उसका कलर दोबारा से पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद आप दोबारा से उसमें एक एसिड की ड्रॉप डाल दो, देन इट अगेन बिकम कलरलेस. सो इन दिस वे वी कैन चेक दैट सिंथेटिक इंडिकेटर नेप्थिलीन कैन बी यूज टू चेक द बेसिसिटी ऑफ ए सोल्यूशन. एज इन द केस ऑफ acid, it doesn't give any color, but whenever a base is added to that solution, then it gives pink color. तो जब भी naphthalene को add किया जाता है किसी ऐसे solution में जिसमें base present है, तो ये कैसा color देगा? ये pink color आपको देगा. acid के case में ये colorless रहेगा. So in this way we can check that the neutralization reaction has happened or not. तो उस केस में आप फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे ही आप एसिड सॉल्यूशन में बेस की ड्रॉप्स को ऐड करते हो तो तभी उस पर्टिकुलर बीकर को या उस कंटेनर को टच करके देखो. व्हेन यू विल टच यू विल फील हॉट. जब आप उसको टच करोगे आपको हॉट फील होगा, तो इससे हमें यह पता चलेगा कि उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कहां कहां देखने को मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. हमारी डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग कहां देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट वन इज इनडाइजेशन. As you already know that our stomach release hydrochloric acid during the process of digestion. जो हमारा stomach है वो hydrochloric acid को release करता है digestion के process में, लेकिन कई बार क्या होता है कि acid को बहुत ज्यादा amount में release कर देता है. In that case acidity is there in the stomach, so neutralize the effect of that acid we should take some base. तो उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस लेना पड़ता है. तो जो मेडिसिन हम लेते हैं उसमें यूजुअली होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे बोल सकते हो. यूजुअली इसे लिया जाता है और इसे बोलते हैं एंटासिड. इसे एंटासिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसिड से अपोजिट जो है वो काम करता है, उसके एंटी काम करता है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेता है. एंड द नेक्स्ट वन इज एंट्स बाइट. जब भी आपको कोई चींटी काट लेती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब मधुमक्खी आपको काटती है तो वो आपकी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को रिलीज कर देती है, फॉर्मिक एसिड को डाल देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इरिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है. सो इन दैट केस आल्सो टू नलीफाई द अफेक्ट ऑफ दैट फॉर्मिक एसिड वी शुड यूज सम बेस. हम बेस का यूज करते हैं और उसमें यूज किया जाता है यूजुअली जो आपका बेकिंग पाउडर है उसको यूज करते हैं, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है. एंड द अदर वन इज जिंक कार्बोनेट, जिसे कैलामाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं. तो इन्हें यूज किया जाता है ताकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा है उसे डिक्रीज किया जा सके और उस पेन से बचा जा सके. सो द नेक्स्ट वन इज सोइल ट्रीटमेंट. समटाइम्स वी यूज दिस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ड्यूरिंग सोइल ट्रीटमेंट ऑल्सो. Whenever we use excessive chemical fertilizers, in that case what will happen, the nature of the soil will become acidic.
जब भी हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो आपकी जो सॉइल है उसकी जो नेचर है वो एसिडिक हो जाती है। बट फॉर द गुड प्रोडक्शन द नेचर ऑफ सॉइल शुड बी न्यूट्रल। लेकिन अच्छी प्रोडक्शन के लिए, अच्छी क्रॉप उगने के लिए उसकी जो नेचर है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। सो टू न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ एसिड इन द सॉइल वी यूज सर्टेन केमिकल्स, सर्टेन बेसिस। द फर्स्ट वन इज क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, द सेकेंड वन इज स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है। तो जब हम इन बेसिस को ऐड करते हैं सॉइल में तो उसकी जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है, वो न्यूट्रल हो जाती है और वहां से प्रोडक्शन लेना और ज्यादा आसान हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज बेसिक। सपोज कि आपकी जो सॉइल है उसमें बहुत ज्यादा बेस ऐड किया गया है, तो बहुत ज्यादा बेस ऐड होने से क्या होता है, उसकी नेचर बेसिक हो जाती है और उसे दोबारा से न्यूट्रल करने के लिए हमें उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स को ऐड करना पड़ता है और वो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर एसिड्स को रिलीज करते हैं जिससे वो बेस के इफेक्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपकी सॉइल जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी हो जाती है। द लास्ट वन इज फैक्ट्री वेस्ट। जो आपकी डिफरेंट फैक्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अलग अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज करती हैं जिनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उनको डायरेक्टली आप किसी स्ट्रीम या सी में या रिवर में डाल देते हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दे विल अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ इन ए हार्मफुल वे। तो वो वहां जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें उसे काफी हार्म जो है वो करते हैं। जो जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ जाती है। सो टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स वी शुड ट्रीट द सॉलिड वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज फर्स्टली। सो वी शुड न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ दोज केमिकल्स एंड देन वी कैन डिस्पोज ऑफ दोज केमिकल्स इनटू द पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। That's all for today's class. I thank you and have a nice day.